अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। एक खुशखबरी मिली है, ये खबर तमिल में है, इसे मैं पढ़ता हूँ, सुनिएगा। उर्दू मानवर्களுக்கு तमिल कट्टायम इल्लै, कल्वित्तुरै अरिविप्पु। यानी उर्दू तलबा और तालिबात के लिए तमिल पढ़ना लाजिमी नहीं है। इससे ये पता चलता है कि आइंदा इंशाअल्लाह लजीज उर्दू इम्तिहानात लिखने में, उर्दू पर्चे इम्तिहान के वक्त हासिल करने में कोई तकलीफ पेश नहीं आएगी। हम देख चुके, चंद वक्त एहतजाजात भी हुए स्टूडेंट्स की तरफ से, कोर्ट के दरवाजे भी खटखटाने पड़े, कोर्ट से इजाज़त लेने के बाद हुकूमत की तरफ से उर्दू में इम्तिहान लिखने के लिए पर्चे दिए गए। आप जानते हैं क्या क्या हो रहा था। अब मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह आगे ऐसी कोई तकलीफ़ उर्दू तलबा व तालिबात को नहीं होगी, वो आसानी से उर्दू पर्चे इम्तिहानात के वक्त हासिल कर सकेंगे और अपनी उर्दू तालीम को जारी रख सकेंगे। ये बहुत ही खुशी की बात है, मगर इस खबर के बारे में कोई तफसील किसी उर्दू एसोसिएशन की तरफ से इशू नहीं हुआ है या हमारी नज़र से नहीं गुजरा है, पता नहीं, खुदा बेहतर जानता है। जैसे भी हो, मैं समझता हूँ कि इस खबर को पढ़कर, खबर ये है कि आइंदा उर्दू तालिबात और तलबा को तमिल पढ़ना लाजिमी नहीं है। इसका मतलब ये भी है कि उर्दू में वो इम्तिहानात लिख सकेंगे बआसानी और उन्हें कहीं कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किसी के पास इस सिलसिले में तफसील से कोई पैगाम मौजूद है तो बराए मेहरबानी ग्रुप में भेजें ताकि सबको इसके बारे में तफसील से जानकारी मिल जाए। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।